दिस इज लायबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा प्रोग्राम, मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लायबा अब्बासी। इसकी हर एपिसोड रोज आती है जिसमें मैं पूरी जो क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रही होती है उसको आप लोगों के आगे, आप लोगों के सामने समराइज करके पेश करती हूँ। एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को, इस शो के साथ अपने आप को इंगेज किया करें, देखा करें कि दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में असल में क्या हुआ है, क्या हो रहा है एंड एक्सेट्रा। खैर, अभी तो जो है करंटली अगर हम बात करें तो बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, जिसमें PSL भी है, जिसमें जिसे कहते हैं BPL भी है, जिसमें ट्राई सीरीज़ भी हो रही हैं और टेस्ट सीरीज़ भी हो रही हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ भी है लेकिन अभी उसको रेस्ट मिला हुआ है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो इंडिया जीत गया है, ठीक है। 5 मैच की टेस्ट मैच सीरीज़ है ये, जिसमें से एक इंग्लैंड जीता है, बाकी की 3 जो है वो इंडिया जीता है। विच डायरेक्टली मीन्स के इंडिया जो है वो सीरीज़ जीत गया। जो 5वां टेस्ट मैच होगा वो एक फॉर्मेलिटी ही होगा, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं वो नहीं होगा, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब भी होगा वो तो उसको भी कवर करेंगे लाजमी आप लोगों के लिए। अब इस सब में अगर हम बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में तो वो है PSL जो है उसका आज 16th मैच था बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड कराची किंग्स, जो कि मुल्तान सुल्तान्स 20 रन से जीत गया है। अगर इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग फर्स्ट जो है they posted a target of 196 runs something, ठीक है, for the loss of only 3 wickets, जो आपको शो करता है कि कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो कितनी ज़्यादा ढीली है। हालांकि उस बॉलिंग में मोहम्मद नवाज़ भी शामिल हैं, उस बॉलिंग में मीर हमज़ा भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉलिंग कितनी पैथेटिक और लेथार्जिक नज़र आती है। उसमें हसन अली भी हैं बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर प्ले अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर मोहम्मद नवाज़ के आज के मैच में बात की जाए तो हर बॉलर की पिटाई हुई है, कोई एक ऐसा कराची किंग्स की तरफ से बॉलर नहीं आपको नज़र आएगा जिसने कोई 8 से कोई नीचे इकोनॉमी हो, सबकी 8 या 8 से ऊपर थी, विच शोज और एक बहुत ही थ्रेटनिंग साइन है कि मोहम्मद नवाज जो कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सर्किट का फ्रंटलाइन स्पिनर है उसकी ऐसी फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ भी मतलब कराची किंग्स ना उनकी बैटिंग चलती है ना उनकी जो है वो बॉलिंग चलती है। और फील्डिंग में भी अगर बात करें तो इमरान खान नियाजी ही है एक वाहिद वो ऐसा प्लेयर जिसकी फील्डिंग आपको हर मैच में अप टू द मार्क नज़र आती है। तो कराची किंग्स, मुझे बड़ा अफसोस होता है इन पर कि इतने बड़े शहर की जो है ये टीम है, एक मतलब कराची पे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान कराची पे चल रहा है, और कराची जैसे शहर जो वहाँ पे जो क्रिकेट को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, देखा जाता है, इतनी बड़ी फैन बेस है, वहाँ पे इस तरह की उस टीम के हालात है। एयरमैन ने जो है वो इनका पार्टनर है, मीडिया पार्टनर, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इनको प्लेयर सेलेक्ट करना आते हैं, ना ड्राफ्टिंग ठीक से करते हैं, और जो अच्छे पिकअप्स ले भी लेते हैं वो भी लीग के बीच में जो है वो एशिया के सबसे अमीर लोगों के बेटों की शादी में जो है वो अटेंड करने उसको चले जाते हैं। खैर, रैपिंग दिस कराची किंग्स के बुरे हालात, बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज के मैच में अगर मुल्तान सुल्तान्स के बैटिंग कार्ड पे थोड़ी सी नज़र डालें तो उसमें आपको मोहम्मद रिजवान नज़र आएंगे और उस्मान खान नज़र आएंगे जिन्होंने जो है बड़े स्कोर्स किए। मोहम्मद रिजवान ने 58 और 44 डिलीवरीज के लिए ज़बरदस्त नॉक खेली जिसमें 5 चौके थे। और अगर बात करें उस्मान खान की तो उन्होंने कमाल कर दिया यार, उस इंसान ने कमाल की, क्या उसने बैटिंग किया। 106 नॉट आउट ऑफ only 58 deliveries which is absolutely phenomenal। यानी कि आप ये देखो कि पिछले PSL में भी इन्होंने धमाकेदार बैटिंग की थी, अभी तक इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 13 PSL गेम्स खेली हैं जिसमें ही इज होल्डिंग ऑलरेडी एन एग्रीगेट ऑफ 2 50s एंड 2 सेंचुरीज, और इनमें से एक सेंचुरी जो है ये इनकी फास्टेस्ट एवर सेंचुरी है इन द हिस्ट्री ऑफ PSL। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में आज तक इतनी फास्टेस्ट सेंचुरी किसी ने नहीं स्कोर की। अगर आज के उनकी इनिंग्स की बात करें तो जो इन्होंने 106 रन बनाए अपनी टीम के लिए उसमें 10 चौके और 5 छक्के थे, जो कि एक ज़बरदस्त कारकर्दगी है। और मुझे अफसोस होता है अपनी मैनेजमेंट पे कि हम वी हैव नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज हिम अप टू द मार्क। हमने इनको प्रॉपर चांसेस नहीं दिए, तो हमने इनको एक्चुअली हमने रिकग्निशन तो दी ही नहीं, इनके टैलेंट को तो हमने एक्नॉलेज किया ही नहीं, जिसकी वजह से उस्मान खान जो है उनको पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा। वहाँ पे इन्होंने गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी में काम किया, मेहनत की, क्रिकेट भी खेलते रहे साथ साथ, और यूएई का जो क्रिकेट टीम है उसमें इनकी जगह बन गई। यहाँ पे आपको शो होता है कि हम अगर आपने अच्छा खासा अपने मुल्क का टैलेंट ज़ाया करना हो तो पाकिस्तान से सीखिए। ना सिर्फ उस्मान खान एक एग्जाम्पल है, बल्कि आपके पास पास में भी एग्जाम्पल्स है। आपके पास इमरान ताहिर के एग्जाम्पल है। यार वो बंदा इतना ज़बरदस्त जो है कमाल का वो प्लेयर है, और वो भी अब हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, साउथ अफ्रीका की तरफ से वो खेलते थे। उसके अलावा अगर आप बात करें, रियाजत अली शाह जो है वो भी एक ज़बरदस्त जो है हमारे पास ऑलराउंडर थे, लेकिन हमने उनका टैलेंट भी एक्नॉलेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो युगांडा क्रिकेट टीम के जो है वो प्लेयर हैं, उसकी तरफ से खेलते। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से हमने अपना टैलेंट वेस्ट किया है। उस्मान खान के पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है, यानी कि जब भी पिच पे आते हैं खेलते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ही इज़ नॉट सेटल्ड, यानी कि बहुत परेशान दिखाई देते हैं, बट फिर भी रन्स ऐसे स्कोर करते हैं जैसे बच्चों का खेल है, यानी कि इतनी जैसे कहते हैं ईज के साथ ये रन स्कोर करते हैं और ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं विद द बैट। ऐसे रन स्कोर करते हैं जैसे उनके लिए तो इससे ज़्यादा ईजियर टास्क कोई है ही नहीं। तो उस्मान खान के लिए जितनी अप्रिसिएशन की जाए वो कम है, और मुल्तान सुल्तान्स इज़ वेरी लकी टू हैव हिम इन द मिडल ऑर्डर, बिकॉज इस तरह के अगर मिडल ऑर्डर में प्लेयर्स हों तो बहुत आपको बूस्ट मिलता है एज ए टीम, एज ए सर्किट। उसके अलावा अगर आप वैसे भी अपनी नेशनल साइड को देखें तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि हमेशा हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला रहता है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा। मिडिल ऑर्डर तो हमारा ठीक से काम ही नहीं करता, ठीक से फंक्शन ही नहीं करता। लेकिन जिस तरह से अगर हमारे पास आज उस्मान खान होते अपने उस प्लेयर के सर्किट में, तो हमारी ये मुश्किल जो है वो फ़ौरन आसान हो जाती। खैर, बात करते हैं इस बैटिंग कार्ड के बारे में। हमने बात कर ली, बोले अगर कराची के चेस पर आएँ तो मुझे हैरत होती है, मतलब आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया था, बट उसके बावजूद शान मसूद ने जिस तरह का स्लो स्टार्ट दिया, 36 ऑफ 29 बॉल्स उन्होंने खेला, और ये एक ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं कहा जा सकता। इसको आप ओपन कर रनिंग से, सो यू आर सपोज कि आप ठीक से करें। टिम साइफर्ट कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। शोएब मलिक ने जो है वो 38 खेला 28 बॉल्स पे, बट कैमियोज़ नहीं चाहिए, और अगर कैमियोज़ प्रोवाइड कर भी रहे हो तो यार एटलीस्ट पूरी टीम करो। अगर आपका कैमियोज़ का प्लान है तो सबसे कहा करो कि सब कैमियोज़ खेल के जाएं, वरना कोई एक ऐसा प्लेयर आपको चाहिए होगा ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे जो आपके लिए बड़ी इनिंग्स खेले। लेकिन कराची के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, तो कराची जो है अब तो स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने अभी तक जो है वो 6 मैचेस खेले, जिसमें से देव ऑलरेडी लॉस्ट 4 मैचेस और सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट्स इनके, और सेकेंड लास्ट पोजीशन पे। यहाँ पे मुल्तान सुल्तान जो है वो अपना लगातार दूसरा मैच जीत गया है, और वो भी 20 रन से ना सिर्फ नेट रन रेट बल्कि पॉइंट्स की दौड़ में भी सबसे आगे है। और मुल्तान सुल्तान्स की यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए कम है। हमेशा नॉन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ होने के बावजूद दे ऑलवेज एंड आप ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट प्लेस इन द पॉइंट्स टेबल। वो अलग बात है कि फाइनल में बेचारे जो है पता नहीं क्या ही हो जाते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट साइड आपको फाइनल्स में जो है वो नज़र आती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स हैज़ बिन एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट टीम, हमेशा अंडरडॉग्स के तौर पे जो है वो नज़र आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा इनको अप्रिसिएशन मिल रही है। पीपल आर फाइनली एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स पुट इन बाय मोहम्मद रिजवान, द एफर्ट्स पुट इन बाय मैनेजमेंट। लेकिन वैसे जो है इनको हमेशा एज अंडरडॉग्स ट्रीट किया जाता है। अगर बात करूं मुल्तान सुल्तान्स की, तो अगर मैं आपको इनके पिछले 5 साल के स्टैट्स बताऊं, सो द वर्स्ट पोजीशन दे एंड अप देयर कैंपेन ऑन इज सेकंड on points table is their worst position, which is unbelievable, absolutely unbelievable। या मतलब आप ये देखो कि अगर एक ऐसी टीम है जिसके लिए उसकी वर्स्ट पोजीशन जो है पूरे टूर्नामेंट में, वो जिस पे वो अपनी कैंपेन एंड करती है वो दूसरे नंबर की है, तो फिर आप उस टीम का लेवल चेक करो कि उस टीम का लेवल क्या है। मतलब अनबिलीवेबल यार, जितनी यहाँ पे आपको लेजिट क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद रिजवान को, द वे ही कैरीज हिज गेम, द वे ही कैरीज द गेम ऑफ हिज टीममेट्स, ठीक है, पूरी टीम को जिस तरह से उन्होंने संभाला हुआ है वो बहुत कमाल है। विकेट कीपिंग में ज़बरदस्त है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले दो मैचेस में वो विकेट कीपिंग भी खुद नहीं कर रहे बल्कि चांस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट तो देना है, ठीक है, और ज़बरदस्त वाला क्रेडिट देना बनता भी है। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल टू एक्सेप्ट कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कैप्टन जो है, अगर आप बाबर आजम के बाद मुझसे हमेशा पूछो तो आई विल ऑलवेज गो फॉर मोहम्मद रिजवान। क्या ये कैप्टन है जिसने अगर मुल्तान सुल्तान्स को ऐसी स्टेज पर पहुंचाया तो पाकिस्तान के साथ क्या करता, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ही इतनी है हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में, कि किसी को इंसाफ तो मिल ही नहीं सकता। फिर खैर, रैपिंग अप दिस सेगमेंट ऑफ पीएसएल, बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बारे में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आई डोंट नो आप लोगों ने फॉलो किया या नहीं, लेकिन एपिसोड 1 ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाबा अब्बासी मैंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी आप लोगों के लिए समराइज किया, सो मेक श्योर कि आप उसको देखें। अभी के लिए अगर बात करूँ तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो है वो फाइनल हुआ बिटवीन कमिलिया विक्टोरियंस एंड फॉर्चून बरिशाल, जो कि फॉर्चून बरिशाल बड़े आराम से जीत के सिर्फ 4 विकेट्स के नुकसान पे जो है उन्होंने ये मैच जीता। कमिलिया विक्टोरियंस बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड टारगेट ऑफ 156 रन और वो फॉर्चून बरिशाल ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 19 ओवर्स में वो टारगेट चेस किया। और अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात की जाए तो वो तमीम इकबाल को दिया गया है, जबकि जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो कायल मेयर थे, जिन्होंने बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट किया और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट किया। और इस तरह से बीपीएल 2024 के जो सीजन के चैंपियंस हैं वो फॉर्चून बरिशाल ठहरे। अब बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट के बारे में, व्हिच इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो है इसका इख्तिताम होता है डे 4 के सेशन 1 में ही। ये मैच जो है वो निपट गया था। कैसे निपटा था भैया, मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी नहीं की थी, कर्टिसी ऑफ ग्लेन फिलिप्स, टिम साउथी। ग्लेन फिलिप्स ने एक ज़बरदस्त फाइफर मारा, ठीक है, उसमें आपके पास जो है मैट हेनरी ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बिकॉज उनके पास लीड अच्छी खासी थी तो जो है 396 का टारगेट उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए रखा था, जो कि न्यूजीलैंड पूरा नहीं कर सका और 196 पर उनकी टीम ढेर हो गई। अब बात करते हैं कि इस एक्चुअली जो ये मैच हुआ सारा, ये 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ हैं, जो कि जिसमें पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया उनके घर पर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लेजिट क्रेडिट डिजर्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो कैमरॉन ग्रीन थे। कैमरॉन ग्रीन एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स पुट इन की हैं और लेजिट एफर्ट्स। फर्स्ट इनिंग्स में 174 नॉट आउट पर उन्होंने जो है वो अपनी इनिंग्स एंड की। और ना सिर्फ ये यार, मतलब अब ये देखो कि एक ऐसी पिच जिस पे हाईएस्ट स्कोर उनके सर्किट से अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया के सर्किट से, तो वो 40 था, लेकिन ऐसी पिच पे ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन ने लास्ट विकेट पार्टनरशिप कायम करके रिकॉर्ड 160 रन जो है वो रजिस्टर किए जॉश हैजलवुड के साथ। और यूं उन्होंने एक ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम को ऐसी सिचुएशन पर पहुंचाया कि उनकी जो लीड है वो अच्छी खासी ऐसे बन गई थी कि दे वर एबल टू पुट अप अ स्ट्रॉन्ग टारगेट फॉर न्यूजीलैंड फॉर कीवी बैटर्स दैट टू एट देयर होम ग्राउंड। तो यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन तो लेजिट जो एप्रिसिएशन है वो डिजर्व करते हैं और एक ज़बरदस्त जो है उन्होंने नॉक खेली थी यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप बात करें नेथन लायन के बारे में, तो नेथन लायन इज समवन जिनको इतनी अप्रिसिएशन मैंने मिलते हुए नहीं देखा। जिस तरह से पैट कमिंस को मिलती है, जॉश हेजलवुड को मिलती है, मिचेल स्टार्क को मिलती है, उस तरह की अप्रिसिएशन नेथन लायन को मैंने मिलते हुए कम देखी है। अब ज़रा नेथन लायन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने फाइफर मारा। न्यूजीलैंड में जो किसी स्पिनर ने 5 विकेट हॉल जो लिया था टेस्ट मैच में कभी, तो दैट वॉज बैक इन 2006। 5 विकेट हॉल न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में है, अगर ऑपोजिशन के किसी स्पिनर ने 5 विकेट हॉल लिया हुआ था तो दैट वाज बैक इन 2006। और 2010 में न्यूजीलैंड में जो है वो किसी अपोजिशन के बॉलर ने 10 विकेट्स का हॉल लिया हुआ था टेस्ट इनिंग्स में। ये जो पहली बार हुआ था वो 2010 में था। तो अब 2024 में ये दोनों रिकॉर्ड्स तोड़े और वो भी एक ही बॉलर ने एक टेस्ट इनिंग्स में, यानी कि एक टेस्ट मैच में जो है वो ये दोनों फीट्स अचीव की, दोनों रिकॉर्ड्स तोड़े. एंड हु इज़ द वन? नेथन लायन इज़ द वन. ही इज़ एक्चुअली द फर्स्ट एवर बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिसने जो है, नेथन लायन ना सिर्फ ये बल्कि नेथन लायन ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में या वैसे ही क्रिकेट की हिस्ट्री में भी बात की जाए, ही इज़ एक्चुअली द फर्स्ट बॉलर जिसने इतनी विकेट्स ली हुई हैं, इतनी विकेट्स स्पिन डिपार्टमेंट में अपने नाम की हुई हैं, दैट टू अक्रॉस ऑल 9 कंट्रीज. ठीक है, और ना सिर्फ ये बल्कि ही इज़ एक्चुअली मैचिंग द लेवल्स ऑफ मुराथलिरन एंड शेन वॉर्न. तो इससे ज़बरदस्त और इससे बेहतरीन फीट क्या हो सकती है. यानी कि वंस ही वाज अ पिच क्यूरेटर एंड हिज जर्नी फ्रॉम बीइंग अ पिच क्यूरेटर टू एक्चुअली बीइंग अ पिच ऑक्यूपायर इज़ वेरी इंस्पायरिंग. सो नेथन लायन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. उसके अलावा अगर बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो ग्लेन फिलिप्स को बेशक और न्यूजीलैंड हार गए, लेकिन यहाँ पे यू विल हैव टू अप्रिशिएट ग्लेन फिलिप्स. ग्लेन फिलिप्स वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग in the first innings, यानी कि 70 of 71 स्कोर किया, दैट टू व्हेन हिज टीम वाज यू नो ट्रेम्बलिंग 29 फॉर द लॉस ऑफ ऑलरेडी 5 विकेट्स. और ये भी तब जब उनकी टीम जो है उनकी ट्रेल रहती थी दैट टू ओवर 300+ रन. तो उस सिचुएशन में आके जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने एक ज़बरदस्त कैमियो खेला, वहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उनकी वो कम है. एंड आई हैव टू अप्रिशिएट दिस गाय फॉर लाइक सो मैनी रीजंस. ही इज़ एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट स्पिनिंग ऑलराउंडर फॉर न्यूजीलैंड. बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है जब भी टीम को ज़रूरत हो, बैटिंग में भी परफॉर्म करते हैं. ऑल्दो वो सेकेंड इनिंग्स में नहीं परफॉर्म कर पाए, बट एक अकेला बंदा क्या कर सकता है हर दफ़ा. ना केन विलियमसन ने कुछ किया, ना विल यंग ने कुछ किया, ना जैसे कहते हैं कि डैरल मिचेल ने कुछ किया, रचिन रविंद्रा ने एक अच्छी ज़बरदस्त नॉक खेली, बट एक अकेला वही बंदा क्या कर सकता है. ठीक है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपको कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो ऐसे किसी की तरफ से नहीं आई. बट इसी के साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया अपना पहला टेस्ट मैच जीत गया. दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. एंड विद दिस हमारा आज का जो एपिसोड है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लायबा अब्बासी दैट कम्स टू एन एंड. मजीद अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.